85 व्यू छी गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? 85 व्यू। अच्छा, ठीक है गाइस, देख लिया हूँ। फिर बाद में मेरी कोचिंग, फिर उसके बाद आता हूँ तो जिम। कितनी बार आप लोग से ब्लॉग में बोला है। और गाइस ऐसी बात नहीं है, मैं ब्लॉग में बहुत दिखाता था। आप लोग पहले के ब्लॉग देखो मेरे, जब छुट्टियाँ थी ना, जब के ब्लॉग देखो। इसकी प्राइस बताना जरा। 306। अभी 80,000 कह रहा था। नहीं, 306। अच्छा डायलॉग था। डायलॉग था। अच्छा, 80,000 में मेरा घर जाएगा। हाँ मेरा भी जाएगा, मेरा भी घर जाएगा। चलो कॉस्ट तो बताएगा, बता ना भाई। यार नूडल्स में नमक कम, मंचूरियन में नमक ज़्यादा, और स्प्रिंग रोल इतने अच्छी हुई थे ना भाई। छी छी छी, स्प्रिंग रोल में रहती है चाउमीन, यहाँ पे क्या था सब्जियाँ, है ना। करवा चौथ पे देने साड़ी मम्मा नहीं देख पा रही है, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं पर गर्मी मम्मा इतनी देख नहीं पा रही हैं। देखो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस बज के सुबह का टाइम हो रहा है 8। माँ 8:05 होने वाले हैं। अब क्या, आप तो निकल जाएगी बस, हमें क्या है फिर। हो गया ना, खाना तो बना ही गया तुम्हारा, तो जल्दी करो यार। मेरी 8 बजे बस आ जाती है, मम्मी ने अभी तक कुछ काम नहीं करा है। यहाँ पे सुबह से ये पानी भरने लगी, देखो ये पानी डला है ना, ये पूरा पानी ख़त्म हो गया था इसका पीने वाला। मम्मी आज ये पानी भर रही थी और इसमें मम्मी लेट हो गई। पापा से बोला था मम्मी ने भरने, कि पापा से बोला था कि जल्दी उठ जाना, वो भर देना, लेकिन पापा उठे ही नहीं, तो फिर मम्मी ने ही भर दिया। अब मम्मी जल्दी जल्दी कर दे तो फिर जाए, नहीं तो फिर क्या है, बस निकल जाएगी। गाइस मैं स्कूल से होकर आ चुका हूँ। मतलब स्कूल से, अरे यार कल एक ब्लॉग बंद करो, ये मम्मी और टीवी में ब्लॉग चलाती रहती है मेरा। ये देखो 85 व्यू छी गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? 85 व्यू। अच्छा, ठीक है गाइस, देख लिया। और गाइस ये देखो, ये सही है भाई, माइक्स पे आपके 107 हो गए, और स्पेस 603। मतलब गाइस पता है अभी व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब वाले बस इसको अभी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो इसमें 603 हो गए, इसमें पता नहीं ऐसा क्या है जो इसमें 603 हो गए, बाकी अपने सब सही है। मतलब अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपन लोगों को कोई टेंशन नहीं गाइस, अपन तो अपना काम कर रहे हैं। व्यू आने होंगे तो आएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे, है ना। आप खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी लंच काय को रखते हैं तेरे को? अरे जो लंच सुबह खाया ना थोड़ा, दोपहर में तो घर में रहता जब, तो नहीं तेरे को ऐसी पागलों ऐसी भूख लगती है? अरे बहुत तेज भूख लगी, आप लेकर तो आ जल्दी जाओ, लेकर आओ, भूख लगी इधर खाना नहीं दे रहे। तो गाइस जल्दी से अपन लोग खाना खाएंगे, फिर बाद में नहाएंगे, क्योंकि अपन लोग सुबह तो नहा के जा नहीं सकते, ठंडी आ गई है, बर्फ जम जाती है, इसलिए अपन लोग अभी नहाएंगे खाना खाने के बाद। गाइस तुम मुझसे, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे स्कूल में ही बोलते हैं, और जो भी मिलते रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम व्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखा रहे नहीं हो, बस घर घर का दिखाते हो, ऐसा कुछ दिखाते नहीं हो, बाहर बाहर जाओ वहाँ का दिखाओ, घूमो वहाँ का दिखाओ। तो गाइस एक बात बताओ, मैं कैसे दिखाऊँ? देखो मैं स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से आता हूँ तो घर में रहता हूँ, फिर बाद में मेरी कोचिंग, फिर उसके बाद आता हूँ तो जिम। कितनी बार आप लोग से व्लॉग में बोला है। और गाइस ऐसी बात नहीं है, मैं व्लॉग में बहुत दिखाता था, आप लोग पहले के व्लॉग देखो मेरे, जब छुट्टियाँ थी ना, जब के व्लॉग देखो, जब मैंने कितनी सारी चीज़ें दिखाई हैं, है ना, है ना अम्मा, है ना। लोग बोलते हैं कि ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाते हैं, आप बताओ, अभी स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता ना। और जब गर्मियों की छुट्टियां थी, जब के टाइम पे देखो हमने बाहर का कितना दिखाया है। कौन बोल रहा है? बहुत से लोग बोलते हैं हमसे। नहीं तो उसमें अभी YouTube प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से उसमें यानी ज़्यादा वो प्रॉब्लम के कारण ये सब हो रहा है, बाकी दिखाते तो जितना आप दिखाना चाहिए दिखाते हैं। गाइस तो मैं बोल रहा था कि अभी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का कल था बर्थडे, तो उसने मेरे को बोला था कि अपन लोग घूमेंगे, पर फिर बाद में फ़ोन लगा के बोलता है कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि उसको कहीं ले जा रहे हैं घुमाने, तो फिर उसने बोला था चलो आज नहीं अपन लोग कल चलते हैं, क्योंकि पापा कहीं ले जा रहे घुमाने और बता नहीं रहे कहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर आज उसका फ़ोन आया अभी, तो वो कह रहा है कि मैं ना तुम्हारी नानी के वहाँ खड़ा हूँ, आ जा, और गाड़ी थी नहीं, तो फिर मैंने पापा को फ़ोन लगाया तो गाड़ी आ चुकी है, तो अपन जा रहे हैं कॉस्ट को लेने, वो नानी के घर पर खड़ा हुआ है। तो चलो अपन जैसे जाके ना उसको कॉस्ट को लेते हुए फिर चलते हैं, जहाँ जाना होगा वो बोलेगा वहाँ चलेंगे अपन लोग। सब लोग यहाँ पर आए हैं कॉस्ट के बर्थडे में, और कॉस्ट का बर्थडे पार्टी कल देने वाला था, पर मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि उसके पापा कहीं इसको ले जा रहे थे सरप्राइज, कहाँ ले जा रहे थे? वहाँ ले गए,
तो बोल रहे थे बाहर यार राजनगर, मेरे को पहले नहीं बताया था, सरप्राइज रोल एंड शेक फॉर्क एंड स्पून, मुझे तुमने बताया था मैंने फॉर्क एंड स्पून, या तो फॉर्क एंड स्पून ले जाएंगे या तो राजनगर ले आए, उसके बाद तो खिलवाने ले जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ हम लोग ने ऑर्डर दिया है, क्या क्या दिया था, कॉम्बो था और बड़ा पाव। देखिए ब्लैक हो रहा है बार बार, अबे तेरे को ब्लर हो गया लगता है, लोगों को तेरे को देखना नहीं है, तू ब्लर हो गया, लोगों को तेरे को देखना नहीं है, तेरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं। देखो गाइस ब्लर से हटाओ, देखो गाइस इसके जूते कैसे लग रहे हैं, क्या मैं ऐसे जूते ले लूँ, इसकी प्राइस बताना जरा। 306। अभी 80,000 कह रहा था, नहीं नहीं वो 306। अच्छा डायलॉग था, डायलॉग था, अच्छा अच्छा 80,000 में मेरा घर जाएगा। हाँ मेरा भी जाएगा, मेरा भी घर जाएगा गाइस, अपने पैम पे के पैसे दिखा रहा है, रुक जाओ। देखो 80,000 के जूते लेने होते हैं मेरे पास, अभी खुद इतने से बस हैं 6 ना, अबे ले ले रहा हूं, इतनी लाइट है ना, 695 बस इतने से तो बचे हैं। ओह कल से 2,000 कहां खर्च कर दिए मैंने, और कैसे फोन पे फिर पापा देने वाले थे, तूने क्यों खर्च करे, मैं अच्छा लड़का होने के नाते ये क्या बात हुई भाई, कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपने ऑर्डर आने का इंतजार करते हैं। इस लड़की ने मंगाया है बड़ा पाव, और इस टाइम भी बड़ा पाव कौन खाता है, मैं क्यों, पाव 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 बड़ा पाव, मुंबई जाके खाओ ना, मुंबई का बड़ा पाव खाओ बात अलग है भाई, फिल्म सिटी जाके बड़ा पाव खाओ अलग ही मजा आएगा। हाँ हाँ यहाँ आके बड़ा पाव कौन खाता है, मैं, और वो भी रात को, मैं और रात का टाइम बता दो कितना हो रहा है, साढ़े छः 6:36 भाई क्या ही तुक्का लगाया है, मतलब आस पास है, अब खा भी ले भाई ठंडा हो जाएगा, ये तो भाई बर्गर जैसा लग रहा है भाई, मैं तो बिल्कुल बड़ा पाव नहीं खाऊंगा, मेरे को पसंद ही नहीं है बड़ा पाव, मैं सौरभ जोशी हूँ, सब दिखाऊंगा इसको, खाते हुए खाऊंगा इसको। ये देखो इसके गले से घटकने वाला है। इसका बर्थडे है, इसको केक खिला दिया है, देखो ये केक है, देखो अंदर जा रहा है, देखो ये गया गया गया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खा ले घुटक ले, इससे घुटक ले, खत्म हो गई, ओ एक बार में खत्म कर दी। अब एक तो गाने बज रहे गाइस, मेरे को लग रहा है कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन कॉपीराइट नहीं आएगी मेरे को पता है, क्योंकि ये पियानो बज रहा है, गिटार पियानो पता नहीं क्या बज रहा है, आग लगा दी, आग लगा दी। आग लगा दी, दादाजी सोच रहे क्या कर दिया। ए गिर रहा भैया, आग गिर गई यार हमारी, पूरे में धुआं धुआं हो गया है बेचारा। बस तो देखा मैंने बोला था ना धुआं निकलेगा, मैं तो पहले बोला था आग निकलेगी। सही है भाई, अपन लोग देखते हैं टेस्ट करके, मैं वैसे खा चुका हूँ कॉस्टो को, पहली बार खिलवा रहा हूँ ये चीज़। यहाँ पर है हम लोग का मंचूरियन, चाउमीन, बीच में स्प्रिंग रोल है, बेचारे वो दब गए हैं, बेचारे स्प्रिंग रोल छुपे हुए हैं, दो स्प्रिंग रोल है एक कॉस्टो का एक मेरा, गरम है यार, खा ले गरम गरम। भाई ठंडी का मौसम आ गया है, अब तुम्हारी हुई वो कहाँ है भाई, तुम्हारी सौरभ जोशी वाली जैकेट वो घर पे रख, कब से पहनना स्टार्ट करना है, पहनेंगे सौरभ जोशी वाली जैकेट है वो भी मेरे पास है, डायनेमिक नंबर सेम, मेरे पास भी है लेकिन वो थोड़ी सेम नहीं है, थोड़ी कलर चेंज है, चलो वो तो ठंडी के टाइम में पहनेंगे, अभी खा लेते हैं। तो गाइस आप लोग से मिलते हैं खाने के बाद। गाइस मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर आए थे खाने के लिए, चलो कौन तो बताएगा, बता इतना वाहियात, नूडल्स में नमक कम, मंचूरियन में नमक ज़्यादा, और स्प्रिंग रोल इतने अच्छी हुई थे ना भाई, कसम से छी छी छी। स्प्रिंग रोल में रहती है चाउमीन, यहाँ पे क्या था सब्जियाँ है ना, अच्छा ही था भाई, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा एक बार कॉस्टो को भी यहाँ पे खिलवाते हैं, पैसा बर्बाद क्रिकेट कैसे एक बार अच्छा था बाकी वहाँ पर, पैसा बर्बाद आगे डायलॉग नहीं बोल सकते, पैसा बर्बाद। तब चलो चलते हैं, कहाँ चलना, मोमोज खाए चलते, चलो मोमोज खाना चलते हैं, माही डिलाइट चलेंगे भाई। गाइस अब हम आए हैं यहाँ पर माही डिलाइट में, और कॉस्टो को देखो चोट लग गई बेचारे को, ये मेरे को पता नहीं था इसको चोट कब लग गई, क्यों रे फुटबॉल खेलने में गिर गया क्या, पापा का परा, मम्मी का मगरमच्छ खा ले भाई, वो कह रहा था ब्लॉग बना ले फिर खाऊंगा, हमने कहा बोलो ब्लॉग बना ले रहे, मस्त मजे करो खा के भाई यार, सही में पेट भाई पूरा टेस्ट बिगड़ गया मुंह का यार, वहाँ का खा के यार सही में, गाइस मैं इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ ना, पेट सही में टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, यहाँ के मोमोज देखो कितने प्यारे मोमोज, बस पेरी पेरी फ्राइज के साथ, पेरी पेरी मसाला मसाले के साथ, फ्राइज बोल रहा हूँ।
खाओ खाओ, मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगा। गाइस मैं घर आ चुका हूँ और पापा कह रहे हैं कि मतलब हम लोग की गाड़ी थी जी कार, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग की कार नहीं चली थी। तो अब पापा बोल रहे हैं, उन्हें मतलब बैटरी चेंज करवा ली है, तो वो बोल रहे हैं चलो एक कार से राउंड मार के आते हैं। तो चलो चलते हैं, राउंड मारने में क्या जा रहा, घूम लेंगे इसी बहाने। ये रखी है मेरी गाड़ी अंधेरे में, देखो अब दिखेगी, मस्त चमक रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये मच्छर भर गए, अरे बाप रे मच्छर, फट। चलो चलते गाइस, अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब शॉर्ट ड्राइव पे। गाइस तो अभी हम लोग लॉन्ग ड्राइव से होकर आ चुके हैं, मतलब शॉर्ट ड्राइव से, और अब जा रहे हैं मम्मी के लिए साड़ी लेनी, नहीं दादी के लिए, है ना, दादी के लिए साड़ी लेनी है क्योंकि अभी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, करवा चौथ। हाँ तो करवा चौथ आ रही, तो दादी के लिए मम्मी साड़ी लेने जा रही हैं। तो गाइस अभी देखो हम लोग आए, मतलब अभी आए और फिर अभी फिर जा रहे हैं। आज तो घर में अच्छे से बैठ ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग को बाहर का ब्लॉग चाहिए था ना, लो अब ब्लॉग ही बाहर ही बाहर का बन गया है ना अम्मा। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, देखते हैं 8 बज गए हैं कब तक आते हैं, क्योंकि जल्दी से आके ब्लॉग एडिट भी करना है, तो जल्दी से चलते हैं अपन लोग। गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साड़ी की दुकान पर, और यहाँ पे बहुत मस्त मस्त साड़ियाँ हैं, और बिल्कुल मनीष मामा की दुकान के सामने हैं, और इतनी सारी साड़ियाँ निकाल दी, मम्मी को इसमें पसंद नहीं आ रही है, देखो इतना बड़ा मुंह आ रहा है। और इधर पापा भी देख रहे हैं कौन सी साड़ी लेनी है मम्मी, मतलब दादी के लिए, दादी के लिए लेनी है क्योंकि दादी की पसंद एकदम हटकर है ना, इसलिए देखना पड़ता है कौन सी साड़ी लें अच्छी सी। इसमें इतनी सारी साड़ी हैं, लेकिन दादी को थोड़ी ओल्ड टाइप की साड़ी पसंद आती है, मतलब ओल्ड पैटर्न में, क्योंकि वो ओल्ड है ना, इसलिए ओल्ड इज़ गोल्ड, तो गोल्डन कलर की ले लेते हैं। गाइस तो हम लोग घर आ चुके हैं, और ये देखो ओए देखा बढ़िया है, हाँ दिखाओ एक एक दिखाओ, अभी थोड़ा ली है, अभी दिखाओ, ली नहीं है तो देखो गाइस ये अभी ली नहीं है, बस मतलब दादी के लिए चाची लोग के लिए दिखाने के लिए बस लाए हैं, ये भी अभी ली नहीं है, सब सब ली नहीं है, है ना, सब ली नहीं है। ये भी नहीं ली है, दिखाने के लिए लाए क्योंकि दादी की पसंद हट कर है, ये भी नहीं ली है, क्यों नहीं ली, लेके तो ऐसे आई मस्त बैग लेके आए, हाय इतनी सारी तो चीजें, पसंद आएगी तब तो लेंगे, अगर पसंद नहीं आएगी जो उनकी पसंद आएगी वो ले लेंगे, क्योंकि वो अपनी पहचान की थी दुकान। गाइस आज तो बहुत सारे काम कर लिए और बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है, तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते। गाइस अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।